दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, शनिवार और रविवार की दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा जाएगा। वहीं प्राइवेट ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। दिल्ली में पिछले दो दिनों से पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा होने पर डीडीएमए ने यह बैठक ली। दिल्ली के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रेड अलर्ट की कैटेगरी में आता है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 6.46% है, जो कि मई के बाद सबसे ज्यादा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लागू कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के चलते शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। पॉजिटिविटी रेट 6.4%। आपको बता दें, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के चलते शनिवार और रविवार को राजधानी बंद होगी। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 6.46% होने पर सरकार का ये फैसला लिया गया। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया। आपको बता दें, ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार और रविवार को राजधानी बंद रहेगी। पॉजिटिविटी रेट 6.46% होने पर सरकार का ये फैसला। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को राजधानी दिल्ली बंद रहेगी। तो ओमिक्रॉन के चलते शनिवार और रविवार को राजधानी दिल्ली बंद रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लागू कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के केसेस लगातार दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे थे और इसी को लेकर के दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया है। तो शनिवार और रविवार को आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली बंद रहेगी। पहले येलो अलर्ट जारी किया गया था और अब वीकेंड कर्फ्यू राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ज्योति सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, देखिए, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अब ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए शनिवार और रविवार को राजधानी दिल्ली बंद रहेगी। पहले येलो अलर्ट जारी किया गया था और अब वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब दिल्ली में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। सैटरडे संडे ये कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान बेवजह घर से जो भी बाहर निकलेगा उन पर पाबंदी रहेगी। और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले एडीपी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया था कि ओमिक्रॉन संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जिनको हल्के लक्षण है उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए सख्त पाबंदी अभी नहीं लगाई जा रही है। अभी तक येलो अलर्ट था, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। और देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें पहला वीकेंड कर्फ्यू है, यानी कि सैटरडे संडे। अगर फ्राइडे की नाइट की बात करें तो 10 बजे से ये कर्फ्यू लागू हो जाएगा, सुबह 5 बजे सोमवार की 5 बजे तक चलेगा। वहीं दूसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो है सरकारी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम, यानी कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे सरकारी ऑफिस जो है वो बंद रहेंगे। और इस दौरान सरकारी कर्मचारी जो कर्मचारी है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और जो बाकी के प्राइवेट ऑफिस है वहाँ पर 50% जो है कर्मचारियों को जाने की परमिशन होगी। और वही तीसरा बड़ा बदलाव जो है वो है मेट्रो बस में फुल कैपेसिटी से, यानी कि अभी हम देख रहे थे जब दिल्ली येलो अलर्ट पे थी तो 50% की क्षमता से ही मेट्रो और बस में सफर करने दिया जा रहा था, लेकिन अब कोविड के चलते मेट्रो और बस में यात्रियों की संख्या सीमित नहीं रहेगी, जिसे वो हटा दिया गया है और फिर से मेट्रो और बस फुल कैपेसिटी के साथ जो है वो चल सकेंगे।
तो देखिए, ये तीन बड़े बदलाव जो हैं वो आज किए गए हैं, लेकिन वही जिस तरीके से सत्यन जैन ने कहा है कि अभी स्थिति जो है वो ज्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए लॉकडाउन जैसी अभी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से बार बार ये केसेस अगर बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो रेड अलर्ट के साथ फुल लॉकडाउन की भी चर्चा जो है वो सुनने में आ रही है। जी जी ज्योति, देखिए जिस हिसाब से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों को जागरूक होने की तो जरूरत है, तो प्रशासन की तरफ से और क्या कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं और लोग अभी भी उतने जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर लोगों की बात करें तो लोग अभी भी लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजारों की बात करें जहां पर काफी भीड़ दिखाई देती है, वहां पर प्रशासन बार बार अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मास्क लगाते रहिए, भीड़ मत जुटाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन लोग अभी भी इसको हल्के में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें मार्केट की बात करें या फिर और मेट्रो स्टेशन के बाहर की बात करें, तो वहां पर भी लोग अभी लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो दूसरी लहर में जो तस्वीरें हमने देखी, जो जो कुछ भी कहा दिल्ली वालों ने, देशवासियों ने जो कुछ भी कहा, वो दोबारा सहने को ना मिले, क्योंकि बार बार पीएम मोदी भी अपने संबोधन में ये बात कहते हुए आए हैं कि सावधानी बरतनी है, और वही दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कहते आए हैं कि सावधानी बरते, और ऐसे में सावधानी बरतना हर दिल्लीवासी की जिम्मेदारी हो गया है, लेकिन लापरवाही बरतते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही की हम तस्वीरें की बात करें तो देखिए दिल्ली के जो बड़े मार्केट्स है वहां पर अभी भी लापरवाही बरती जा रही है, प्रशासन बार बार इसको लेके देखिए चालान भी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चालान काटने के बावजूद भी जिम्मेदार जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, और ऐसे में लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर में और भी गंभीर तस्वीरें सभी को दिखा सकती है। जी शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, शनिवार और रविवार को राजधानी दिल्ली बंद रहेगी।